आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। विहिप नेता मुकेश सोनी की पत्नी को मुआवजा, नौकरी सहित अन्य मांगों को लेकर निकाला जुलूस। खलारी थाना के समक्ष बैठे लोग। खलारी भाजपा युवा नेता प्रताप यादव के नेतृत्व में युवकों ने विहिप नेता मुकेश सोनी की पत्नी को मुआवजा, नौकरी की मांग को लेकर जुलूस निकाला और खलारी थाना के समक्ष धरना दिया, जिसके बाद खलारी डीएसपी अनिमेश नैथानी, बीडीओ लेखराज नाग, सीओ शिशुपाल आर्य, सीआई कुमार सत्यम भारद्वाज लोगों से वार्ता करने उनके पास पहुंचे। वार्ता के क्रम में डीएसपी अनिमेश नैथानी ने लोगों को बताया कि मुकेश हत्याकांड के अनुसंधान में इंस्पेक्टर फरीद आलम की कहीं से भी कोई संलिप्तता नहीं मिली है। हमारे वरीय अधिकारी का भी स्पष्ट आदेश है कि इस घटना में किसी की भी संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को कोई असुविधा हो या कोई बात हो, परंतु इस हत्या के मामले में जो आवेदन एफआईआर किया गया है, उनका अपराधियों के साथ में, अभियुक्तों के साथ में हत्या का कोई संलिप्तता से अर्थ नहीं मिला है। वरना आप लोग के आज झुकने से पहले हम लोग कार्रवाई कर चुके रहते, इतना हम लोग आपको मौका नहीं देते। परंतु फिर भी अग्रोत्तर अनुसंधान हम लोग का चल रहा है, ये सभी बंद नहीं हुए, अनुसंधान बंद नहीं हुआ है। और जो बिंदु हैं, जो हम लोग कॉल डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉल डंप में भी डेटा हजारों हजारों नंबर का आता है, इतने ज़्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, तो वो सब भी हम लोग अन्य बिंदुओं पर पहलुओं पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जैसे होगा हम लोग समय समय पर आप लोग को अवगत करा देंगे। आप लोगों से यही अनुरोध है, थोड़ा सा प्रशासन को भी समझें और टाइम दें। हम जनता की सेवा करने के नाते भी हम लोग की दायित्व है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो स्कूल हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या जहाँ पे भी हो, वहाँ पे भी मुकेश की जो वाइफ है उनके बच्चों के लिए हम लोग पढ़ाई फ्री कराने के लिए भी बात कर लिए हैं, मैं और सीओ साहब, कि उनकी पढ़ाई भी हम लोग फ्री करवा देंगे। साथ ही यदि वो नौकरी करना चाहेंगी स्कूल में, तो हम लोग स्कूल प्रशासन से बात करके किसी ने अच्छे स्कूल में उनकी जॉब भी लगा देंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी साथ ही साथ हो जाए और उनको एक जॉब सिक्योरिटी हम लोग सामाजिक स्तर से हो जाए। इसके अलावा जो प्रपोजल आप लोग दे रहे हैं, हम लोग अनुशंसा भी कर देंगे उपायुक्त महोदय को, ताकि मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से उसमें फैसला हो जाए और इनको मुआवजा भी मिल जाए, और यदि सरकारी नौकरी देने का उपाय लग जाए तो उसमें भी हम लोग अभी सीओ साहब और हम लोग बैठ के बात किए हैं कि इसमें भी कार्रवाई हो जाए। और परिवार के लोग विडो पेंशन के लिए भी अप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम लोग उनका विडो पेंशन भी इमीडिएटली चालू करवा देंगे। निर्णय नहीं निकलता है तो फिर खिलाड़ी बंद करने का पूरा हम लोग निर्णय लिए हैं, पूरा खिलाड़ी का चक्का जाम करेंगे, खिलाड़ी पूरा बंद करेंगे। देखिए, जो हम लोगों के अख्तियार में है वो हम लोग इमीडिएटली करें, ठीक है, और जो हमारे उच्चाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है तो उसके लिए हम लोग उनको लिखें, तो हम लोग वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी, एट बेस्ट हम लोग यही ना कर सकते हैं। साथ में जो हत्यारा लोग हैं को पूरा एविडेंस सर देख लीजिए, हथियार कम से कम उसका बरामद करवाइए, और लोग फांसी के तख्ता तक तक जरूर एकदम पहुँचाना। नहीं, उन लोगों की उम्र क्या है, फांसी नहीं तो उम्र, बाकी जो लोग उस हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ठीक है, और मेरी अभी सीनियर एसपी साहब से भी बात हुई थी, वे भी बोले कि मुकेश के परिवार को बता दीजिएगा, उनके पिताजी को भी, हम लोग हर तरह से उनके साथ में हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए, अभी बात हुई है, और आपको कभी भी ऐसा लगे तो 24 घंटे के लिए हम लोग हमारे दरवाजे के हम लोग हमेशा हाजिर हैं सेवा के लिए।